साथियों, अब टैली में हम एक और नए वाउचर का प्रयोग करना सीखेंगे। आप ऑलरेडी काफ़ी सारे वाउचर्स टैली में इस्तेमाल कर चुके हैं। अब एक जेन्युइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा नया ऑप्शनल वाउचर। शुरुआत करते हैं कैसे इसका प्रयोग करना है। साथियों, कई कंपनियों में जब आप अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो बड़ी कंपनियां आपसे कोटेशन मांग लेती है, आपका प्राइस मांग लेती है, और वो कोटेशन मैच करती है अदर कंपनियों के प्राइस से, और जो उनको बेस्ट प्राइस लगता है उस कंपनी को वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि हाँ, हमें इतने प्रोडक्ट्स ऐसे चाहिए और हम आपकी कंपनी से डील करना चाहते हैं, आप ये फिक्स कर दीजिए। चलिए मान लेते हैं कि कुछ कंपनियों ने या किसी कंपनी ने हमसे कोटेशन मांगा 25 लैपटॉप्स का और 25 ही पेन ड्राइव और 25 मेमोरी कार्ड्स। अब इसकी कोटेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में अगर मैंने वाउचर में एंट्री कर दी तो साथियों वो मेरे बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगी और प्रैक्टिकली मैंने कोई सेल तो अभी तक की नहीं है। तो ऐसे में हमें ऑप्शनल वाउचर लेना चाहिए जो डे बुक में तो दिखाई दे कि हमने एंट्री की है, लेकिन हमारे किसी भी रिकॉर्ड में ऐड ना हो, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी ऐड ना हो पाए, और फ्यूचर में हमें कभी जानना हो कि हमने एक्स वाई जेड कंपनी को क्या कोटेशन दिया है 25 लैपटॉप्स का, तो वो हम ट्रैक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए साथियों F11 से कंपनी फीचर में चलते हैं। अकाउंटिंग फीचर सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर को हम एक्टिवेट करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर आप पाएंगे यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, इसको आपने यस कर देना है साथियों, वाई और कंट्रोल ए कर देंगे साथियों, ये हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब साथियों वाउचर एंट्री पर आते हैं और सेल्स वाउचर में मैं इस समय हूँ, तो मैंने सेल्स वाउचर में पार्टी का नाम लेना है जिसको हम ये कोटेशन भेजने वाले हैं। एक नई पार्टी क्रिएट कर देते हैं, ऑल्ट सी, और मैंने कहा तो मैंने साथियों यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट की अपने कस्टमर के तौर पर, सन्ड्री डेटर, वो है न्यू लाइट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम कोटेशन भेजना चाहते हैं, अंडर सन्ड्री डेटर रखा मैंने उन्हें, अपना कस्टमर बनाया, कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया। और अब आगे बढ़ते हैं, सेल्स का लेजर ले लेते हैं। अब यहाँ पर साथियों अगर मैं एंट्री पास कर रहा हूँ तो मुझे इसे ऑप्शनल वाउचर बनाना होगा, तो आप एक शॉर्टकट कंट्रोल एल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल एल लेंगे साथियों यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ आ जाता है और डे बुक में इसकी एंट्री इटैलिक में हो जाती है। आप जानते होंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, तो इटैलिक में इसकी एंट्री हो जाती है, वाउचर नंबर के ऑप्शनल मेंशन हो जाता है और बैलेंस शीट पर इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ना ही लेजर में इसकी एंट्री दिखाई देती है। चलिए साथी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लैपटॉप दिया और लैपटॉप को क्वांटिटी 25 पीसेस रखा और अब मैं अपना बेस्ट प्राइस देना चाहता हूँ, तो मैं प्राइस चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने इसको 22,300 का प्राइस दिया प्लस पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव की क्वांटिटी साथियों मैंने यहाँ पर 25 पीसेस की रखी। उसके प्राइस को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ ताकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो 265 फॉर एग्जांपल, और मेमोरी कार्ड भी मेंशन कर देते हैं।
यहाँ पर मैंने इसको 25 दिया जितनी रिक्वायरमेंट कंपनी की, और इसकी प्राइसिंग को मैं अब सेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 210 रुपीज़ पर कार्ड रख दिया। साथियों, ये हमारी एंट्री है, और अब हम कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज, डिलीवरी चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहते हैं तो उसका लेज़र हमें नीचे ऐड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो माइनस में होगा, वो आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हैं। ऑल्ट पी से आप इसका प्रिंट देख सकते हैं साथियों। और अब आप पाएंगे साथियों कि यहाँ पर ये इसका कोटेशन तैयार है टोटल अमाउंट के साथ में, जिसका प्रिंट निकाल के हम कस्टमर को दे देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराते हैं। अब साथियों, इस एंट्री को हमें डे बुक पर चेक करना चाहिए। स्केप करके पीछे आते हैं और डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं। तो अब हम डे बुक में आ गए साथियों, और डे बुक में सेल्स की सीरीज को चेक करेंगे। उस सीरीज में लास्ट वाउचर सेल्स का यहाँ पर ऑप्शनल आ रहा है साथियों। देखिए, ये आपकी एंट्री है, और ये एंट्री इटैलिक होकर के आ रही है। न्यू लाइट प्राइवेट लिमिटेड, इस पर कोई इनवॉइस नंबर नहीं है, इस पर ऑप्शनल दिया गया है इसको, तो प्रॉपर इनवॉइस भी नहीं है इसका, ऑप्शनल में चल रहा है, अमाउंट भी दिया गया है। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सेल्स लेजर पर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर DAL, और यहां पर आपने सेल्स लेजर का चुनाव किया। इसमें साथियों आपको एंट्री नहीं मिलेगी आपके पर्टिकुलर अकाउंट की। ऑल्ट F1 से भी आप, यहां तीनों एंट्री सेल्स में है। एक बार मैं पीरियड चेक करा देता हूं आपको। ऑल्ट F2 से 1 अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर तक की सारी एंट्रीज यहां पर है, लेकिन आपकी कोई भी एंट्री ऑप्शनल वाउचर की यहां पर नहीं आ रही है। वो सिर्फ आपके डे बुक में ही आपको दिखाई देती है साथियों। तो कोटेशन का प्रयोग कीजिए, कस्टमर्स को अप्रोच कीजिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, और इस टेली वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन साथ ही साथ असाइनमेंट करना मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं।